तो आज हम खेलेंगे जियो गेसर गेम। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो हैं हिमांशु मलिक। उनका भी यूट्यूब पे चैनल है एस्ट्रो बॉय हिमांशु। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम खेलेंगे इंडिया इंडिया कहाँ गया। अभी मैप तो ठीक है, सब हमारे ये मुझे तो मुंबई लग रहा है। पे लग तो ऐसा ही रहा है। उस बोर्ड पे कुछ लिखा होगा, क्या लिखा है उस पे? लेट्स कम टुगेदर, लेट्स रन टुगेदर, इंडियन पेट्रोलियम। सिटी का नहीं है। आईसीआईसी बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे हो सकता है? सीआईसी का तो नहीं, वैसे एनसीआर वाले एरिया भी हो सकता है ये, गुड़गांव नोएडा उनमें से भी हो सकता है शायद। हाँ, ब्लैक ऑटोज मुंबई में ज़्यादा है। ब्लैक ऑटोज तो वहीं पे है ज्यादा। और इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, तो दिल्ली या फिर मुंबई है? ये मुंबई है। फाइनेंशियल मुंबई या फिर बिल्डिंग्स के कैपिटल हिसाब से है, तो हम मुंबई लग रहा है। फाइनेंशियल कैपिटल है और इतने सारे बैंक्स। ड्यूश बैंक, हाँ ये बिल्डिंग मुंबई मुंबई डाल दो। कराची में भी साइक्लोन आया है। हाँ कोस्टल एरियाज में आ गया लग रहा है, पूरा वेस्ट साइड वाले में। गुजरात में अर्थ कोई कर गया। ये रहा मुंबई, ये गेस कर देते हैं। और 5 किलोमीटर्स था, मतलब मुंबई में ही था अच्छा ये। तो मैं एक बार खेल रहा था, मैं 5 मीटर दूर था और फिर भी उन्होंने एक पॉइंट काट लिया। मैक्सिमम पॉइंट्स 5,000 होते अच्छा हैं और हमारा टारगेट है 20,000 से ऊपर जाना है। 5 राउंड्स हैं, हिंट ये सेकंड राउंड। मिलता है इसमें कोई? ओके, हिंट भी नहीं मिलता। डायरेक्ट गैस ही करना है, मतलब सिटी का नाम। ये गोवा लग रहा है शायद, गोवा भी कोस्टल है, एरिया हैदराबाद भी हो सकता है, नहीं, वो कर्नाटका वाला वो है ना सिटी, वो भी हो सकते हैं, वो हम्पी। शायद साउथ वाले। हाँ अगर ये तेलुगु लिखी होगी तो हैदराबाद के आसपास, अगर कन्नड़ा लिखी होगी तो नहीं, हम्पी, वो कोकोनट ट्रीज है ना, तो कोस्टल एरिया है कोई फिर हैदराबाद नहीं है, नहीं, हैदराबाद तो नहीं है फिर। फिर कर्नाटका हो सकता है। ये यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं है। नहीं, बस एंशियंट स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, जो कि मतलब है तो साउथ का ही सिटी कोई। हाँ अगर बोर्ड दिखे तो भी कुछ कर सकते हैं, हम्पी पर कोई बोर्ड ही नहीं दिख रहा। हम्पी होगा मेरे हिसाब से, कोस्टल एरिया में है। कोस्टल में तो नहीं है। कोकोनट ट्रीज तो एक दो ही थे, ज़्यादा नहीं है। तो कोई आर्कियोलॉजिकल साइट? हाँ वही है, अगर व्हील जैसा कुछ देखे फिर मतलब हो सकता है। हम हम भी कर देते हैं, कुछ है तो है नहीं अभी, क्या देखें। तो हम्पी कर्नाटका, हम्पी के आसपास करेंगे। हाँ कोस्टल की साइड कर देना थोड़ा।
56 हम्पी था, पूरा हम्पी था। इसमें सारी IITs भी आती हैं। ओ बढ़िया फिर तो। हाँ ये भी मुझे कोई कैंपस लग रहा है। कौन सा है? बोर्ड्स पे लिखा हुआ कुछ देखना। ये कौन सी लैंग्वेज है? प्रेजेंटेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड कंट्रोल डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स। ये बंगाली तो नहीं है? मच्छर ज़्यादा बंगाली नहीं है। उसमें जो वी होता है वो तीखा होता है और वो हर एक वर्ड में होता है, तो वो है नहीं इसमें। ओके। उस बोर्ड पे कुछ लिखा होगा। हाँ प्रेसिडेंसी ब्लू वाले यूनिवर्सिटी, पे ये क्या? कहाँ पे है? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंस यूनिवर्सिटी? नहीं दिल्ली तो है। नाम ही नहीं ये सुना। दिल्ली है। हाँ दिल्ली की लग रही नाम से तो। आगे कुछ होगा। यहाँ पे कुछ बोर्ड था। निषद, ये तो मतलब ऐसे ही आर्ट फॉर्म्स हैं, इवेंट के लिए डाल रखे होंगे किसी, या फिर ऐसे ही बना रखे ये रहा होंगे। बोर्ड, ये भी वही है। इस पे भी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी लिखा है। ये गेट आ गया, गेट पे कुछ होगा। थापर भी शायद होगा इसमें, क्योंकि हाँ हो सकता है आ जाए। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है संगरूर के आगे लोंगोवाल में, वो भी था इसमें। बढ़िया है तो। बाहर नहीं जा सकते। बस पे कुछ लिखा है? नंबर देख लो कोई कार का दिख जाए तो। वो ब्लर कर देते हैं। ट्रैम्स वाला है ना? ट्रैम्स तो कोलकाता में होता है, कोलकाता कर दे। कोलकाता, हाँ ये बंगाल, बंगाली ये लिखी है मेरे बंगाली ख्याल लिखी से हुई तो। है, ये बंगाली लिखी हुई है। हाँ ट्रैम्स भी कोलकाता में ही होती है। और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी फिर, कर देता हूँ। इसमें भी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी मैप पे आ जाएगी, आएगी। हाइड ना कर दे। नहीं, ये जैसे हॉस्पिटल का एच होता है, मार्केट का ही होता है, तो किसी इंस्टीट्यूशन का क्या होगा? तो नहीं देखना ही पड़ेगा। बिल्डिंग टाइप बनी होगी शायद कोई। सेंटर में कर देते हैं। हाँ सेंटर में कर दे एकदम। पॉइंट एट किलोमीटर चलो सिटी तो मतलब सही था एकदम। हमारे यहाँ पे लिखा तो हुआ है वैसे। ये हमारे 2 राउंड्स बचे हैं और हमारा स्कोर 14,000 हो गया। टाइम लिमिट तो नहीं होती ना कोई इसमें? नहीं, टाइम लिमिट नहीं। ये भी कोई कैंपस है, न्यू चंद्रशेखर हॉस्टल, न्यू चंद्रशेखर। ये भी कुछ लिखा हुआ है। ये जियो गैशर न्यू में चंद्रशेखर स्ट्रीट व्यू तो है, लेकिन देखना फिर भी बोर्ड्स को पड़ता है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ वायरस रिसर्च, ये कोई मेडिकल का लिखा है लग कुछ रहा है, नाम। मेडिकल इंस्टीट्यूशन है।
इसमें बैंगलोर हो सकता है शायद, चंद्रशेखर नाम था क्योंकि हॉस्टल का। थोड़ा और देखते हैं, और एक क्लू लेते हैं। एम्स तो नहीं है? एम्स हो सकता एम्स है, का और मेन क्या है? बिल्डिंग पे भी तो नहीं करते ना ये लोग, मेन बिल्डिंग के सामने ही गए कॉलेज की। आईआईटी कॉलेज गुवाहाटी तो में एक बहुत वो बड़े था, बड़े होते हैं। प्री प्राइमरी स्कूल है कोई एक आईआईटी गुवाहाटी में, उसके अंदर हाँ वो उसकी लोकेशन डाली हुई थी, उसका मतलब स्ट्रीट व्यू मैप डाला हुआ। जैसे हमें तो मतलब मेन बिल्डिंग का ही आइडिया होता है ना दूसरे कॉलेजेस की, अपने कोई अपने का तो पूरा पता होता। चलो यहाँ इस यहाँ पे कोई बोर्ड होगा। लिखा है कुछ, एक तो ये एरो की से नहीं जाता, माउस से यूज करना पड़ता है। वो सामने मेन बिल्डिंग है। ये मेरे को मणिपाल लग रहा है हाँ, शायद, मणिपाल कोकोनट उसकी ट्रीज ऐसी भी हैं बिल्डिंग है। और वो है भी मणिपाल इस। यूनिवर्सिटी है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसका भी मैंने वो लग फॉर्म रही है मेरे को भरा ये। है, पर लिखा होगा वही लग रही है यार, मेन बिल्डिंग के वही आगे है लिखा वही होगा, है लग रही है मणिपाल ही लग रही है। वही है। मेरे को याद है मैंने लास्ट ईयर इसका फॉर्म भरा था, ये वेबसाइट पे यही फोटो आती थी इनकी। अच्छा मैंने भी भरा इस साल। यही फोटो आई होगी शायद, अगर हाँ, चेंज ना करी मणिपाल उन लोगों ने। मणिपाल काम कर्नाटका कौन में सी है, सिटी में है ये? हाँ कर्नाटका में है, कर्नाटका में ही है। कोस्ट में। और हाँ सी कोस्ट पे है, बैंगलोर के पास। देखना कोई मणिपाल सिटी का नाम भी है क्या? हाँ जी, MIT। MIT। मैंगलोर के पास है शायद। हाँ बैंगलोर के पास ही कहीं। यहाँ पे तो होना चाहिए। साउथ साइड में देखना है एक बार, ये रहा, बेंगलोर के साउथ में ये देख, मिल गया मणिपाल, मिल गया। हाँ ये रह रहा। बड़ा कर देता हूँ मैं आपको। अभी इसमें ढूंढना है पूरा। कॉलेज होगा ना उसके ही सेंटर में कर दे मतलब उस। एक ये भी होता है, अगर हम बिल्डिंग के सेंटर में करेंगे तो भी पॉइंट करते हैं, इस टाइम हम जहाँ पे खड़ के देख रहे हैं वो एग्जैक्ट पोजीशन करनी होती है। ये तो मेन बिल्डिंग ही है शायद। ये MIT मणिपाल हॉस्पिटल आउटस्कर्ट्स में है ना ये तो। हाँ नॉर्थ में होगा, सी कोस्ट के पास ही है शायद। इंडिया में एक ही ऐसा कॉलेज है जिसकी अपनी प्राइवेट बीच है, वो NIT सूरतकल, वो भी कर्नाटका में ही है। पर अच्छा इतना फेमस है, इतनी ऐड आती है इनकी, मैप में तो दिखना चाहिए। पक्का कोस्ट पे है? वो जो यार प्रमोशनल वीडियो डालते हैं लोग, उसमें तो कोर्स दिखाते हैं। बाकी पता नहीं, ये लिखा है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर कहाँ एजुकेशन। पे? ये रहा। दिखा? हाँ जी, कोस्ट से तो दूर है, हाँ वैसे पूरा एरिया होगा ना इनका मतलब, मेन बिल्डिंग कहाँ है इनकी फिर? या फिर रिवर के पास हो, रिवर के पास होगा शायद। नहीं पता, बोल देते हैं। ये जो लिखा है शायद यही है मेन बिल्डिंग। 447 मीटर्स था तो। 447 मीटर्स।